यहाँ पे हिमगंगे ब्रांड की तरफ से सेवा किया जा रहा है लोगों को, जो भी कांवरिया बम है उन लोगों को मालिश दी जा रही है कुछ इस तरीके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये महारानी कांवरिया सेवा संघ है और उसके ऊपर आप पढ़ सकते हो महारानी एक्सप्रेस गया बिहार के सौजन्य से। सो भाई ये मैं दूसरा देख लिया। ये देखो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सुबह के 4:52 हो रहा है और पहुँच गए हैं फारिप्सगंज कांवरिया सेवा शिविर फारिप्सगंज। और ये देखो सामने एक थोड़ा सा इस तरीके से, पता नहीं ये मंदिर है या फिर आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल ही लग रहा है दिखने से। और यहाँ से ये अंडरग्राउंड और इसको टंकेश्वर धर्मशाला भी है यहाँ पे। और ये देखो ये हाईवे ऊपर से मेन रोड है देवघर जाने का, और नीचे से हम लोग क्रॉस करेंगे अभी, या फिर आप ये कह सकते हो कि हम लोग सुइया पहाड़ जो है वो स्किप किए। बोलबम दोस्तों, सो आपने इसके पहले वाले पार्ट में देखा कि हमने उस ब्लॉक को मतलब एंड किया था, तो आज इस ब्लॉक का मैं शूट कर रहा हूँ। अभी सुइया पहाड़ को ही ख़त्म किया जस्ट, उसमें आप देखने आपने देखा था कि मैंने सुइया पहाड़ के पहले ही ख़त्म किया था। सो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क हो रहा था, इसलिए पूरी चढ़ाई पे जो है हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और जैसे ही सुइया पहाड़ क्रॉस किया तो आता है एक टंकेश्वर धर्मशाला, सो वहाँ पे अभी थोड़ा स्टे करूँगा। एक्चुअली क्या है ना कि कल सुबह से बस जब से जल उठाया हूँ चल ही रहा हूँ, बीच में एक घंटे का स्टे था और उसके बाद रात भर चला हूँ, और अभी करीब सुबह का 4 बज गया है, सुबह का 4। सो सोच रहा हूँ तो 1-2 घंटा रेस्ट कर लूँ और उसके बाद चलूँगा। सो अभी शुभम का थोड़ा वेट कर रहे हैं, वो थोड़ा पीछे रह गया और वो आ जाए तो उसके बाद किसी वो बेड पे जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। सो ओके दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, जिससे कि आपको हमारे सारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल ले। और भाई ये कपड़ा ना यार सूख नहीं रहा है, जब से सुल्तानगंज से चले आना बस गीला ही गीला है, थोड़ा सा सूख रहा है तो फिर कहीं पे कुछ खा रहे हैं तो फिर से नहाना पड़ रहा है, जिससे फिर से गिरा हो रहा है। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा, ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, इसलिए भाई कपड़ा तो एकदम गीला सा रह रहा है, देख सकते हो आप हमारा हाल। ये देखो बंदे, सुबह के करीब 8 बजे हम लोगों का ये झुंड चल पड़ा है कांवरिया पथ होते हुए भोले बाबा की नगरी देवघर के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो पेड़ों की छाँव में बहुत सारे लोग बैठ के मकई का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर बाद अब रखा आएगा, ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मकई बिक रही है और ये बहुत सारी चीज़ें बिक रही है, दही बड़ा बिक रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ये देखो ये है दही बड़ा, और हमें ऐसे इस तरीके से जलेबी टाइप के रास्ता से घूमकर सीधे चला जाना है शिवलोक धर्मशाला की तरफ। मौसम अभी तक तो ठीक है फ्रेंड्स, आज आगे की नहीं पता। देखो किस तरीके से यहाँ पे रास्ता गोल घूमा हुआ है, थोड़ा सा उसके बाद फिर झूमेंगे नाचेंगे, है ना। आइए जिस भजन में राम का नाम ना हो, कहते हैं राम राम जिसने न।
यहाँ पे एक शिविर लगाया है, पूर्णिया सेवा शिविर, और इसमें गर्म कुंड की भी व्यवस्था की गई है। तो चलते हैं थोड़ा गर्म कुंड में, थोड़ा पैर सेकते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, अभी गर्म पानी इससे गाय जो है कैसे की जाती है। ये देखो बम जी, अभी शाम के टाइम पे बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई, और इधर देखो हम लोग बम जी, हम लोग मॉर्निंग से ना चल तो रहे हैं बट ब्लॉग शूट नहीं किए थे, इसलिए आपको मैंने दिखाया था कि सुबह में जहाँ पे मैं रेस्ट किया था उसके बाद से चलना शुरू किया, करीब एक दो घंटा रेस्ट करने के बाद, और उसके बाद जो है वो फ़ोन निकाला ही नहीं, और अभी मैं पहुँच गया हूँ करीब कटोरिया पार्क के, ना ऐसा ही कुछ था। सो वो क्रॉस किया हूँ, और इधर देख लो आप, एक जगह बैठा हूँ जहाँ पे प्रसाद वितरण चल रहा था, मतलब एक तरीके का भंडारा हो रहा था, बट बाहर में हो रही है बारिश इसलिए यहाँ पे भी हम फ़ोन बाहर नहीं ले जा सकते। सो ओके, आप लोगों से मैं आगे मिलता हूँ, आई थिंक सो गुड़ियाड़ी नदी के पास में मिलूँगा, और यहाँ पे भी हम लोग का भोजन भी हुआ है साथ में, जैसा कि आपने देखा ही होगा वीडियो में। चलो फिर चलते हैं, बाय। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हिमगंगे ब्रांड की तरफ से सेवा किया जा रहा है लोगों को, जो भी कांवरिया बम है उन लोगों को मालिश दी जा रही है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे शुभम जी भी पूरा लगे हैं हिमगंगे का लुत्फ उठा रहे हैं, और इधर और भी बम लोग हैं। सेवा दी जाती है ना, ये सब सेल है, उसके बारे मालिश दे देते हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि इतने बड़े ब्रांड की तरफ से यहाँ पे सेवा दिया जा रहा है भक्तों को, कांवरियों को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये महारानी कांवरिया सेवा संघ है, और उसके ऊपर आप पढ़ सकते हो महारानी एक्सप्रेस गया बिहार के सौजन्य से। सो भाई, ये मैं दूसरा देख लिया जिसमें गया से यहाँ पे सेवा दी जा रही है। एक देखा था गया जी धर्मशाला करके था, वो सेवा दिया जा रहा था, और एक यहाँ पे हो गया और ये हो गया महारानी वाले का, महारानी कांवरिया सेवा संघ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे रहने की फैसिलिटीज़, चाय पानी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क दिया जा रहा है। ये देखो इधर चाय बन रहा है और लोगों को दिया जा रहा है।